नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 13 स्मार्ट चार्ट के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ स्मार्ट चार्ट टैली चिन्ह और उसके प्रयोग द्वारा आंकड़ों के चित्रात्मक प्रदर्शन से निष्कर्ष निकालने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हुए अभिव्यक्त की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि को पर्ची के माध्यम से आंकड़े चित्रात्मक टैली चिन्ह और उनका प्रयोग तथा बार चार्ट और आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना व आंकड़ों के पैटर्न की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि को की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। पर्ची के पीछे छात्र अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या और निर्माण पहले से कराया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि से पहले ही बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाया जाता है। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि हम आज बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाकर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे इसका नाम शब्द सागर है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई छात्रों द्वारा पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। तो एक छात्र आगे आता है और उसमें से पर्ची निकालता है और आगे बुलंद आवाज में बोलता है, माना पर्ची पर 4, 7, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 7, 8, 7 में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है लिखा है। तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि 4, 7, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 7, 8, 7 में 7 संख्या सबसे अधिक बार आई है। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र इस गतिविधि में टैली चिन्ह के माध्यम से इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ स्मार्ट चार्ट के माध्यम से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे टैली चिन्ह का प्रयोग करते हुए आंकड़ों और अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनको चित्रलेखन के रूप में प्रस्तुत करके निष्कर्ष पर पहुंचना, छोटी राशियों का समूह में जोड़ना और घटाने की क्रिया करना। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्द को पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें चित्र दिखाकर जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभव को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की छात्रों में समझ विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। शिक्षक PRP अनुपात का इस गतिविधि में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ स्मार्ट चार्ट को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।